आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं हूँ उर्वशी गैरोला और अभी हम आज जा रहे हैं झंगोरे की लवाई करने और मेरे साथ है मेरी ननद। ये है मेरी ननद और ये है स्वीटी। स्वीटी भी आ रही है, एक कट्टा उसके पास भी देंगे हम। तो चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं कैसे हम झंगोरे की लवाई करते हैं और कितना हो रखा है हमारा झंगोरा। देखिए आग जला रखी है रात को, क्योंकि यहाँ पे जंगली जानवर सुअर आते हैं, इसलिए उनको डराने के लिए आग जला रखी है ताकि हमारा कोदा झंगोरा न खाए सुअर। ये देखिए मंडवे की खेती। ये है झंगोरा और झंगोरे की बाली। आज हम इसकी ही लवाई करेंगे। देखो पक रखा है, तो चलिए। वाह यार भाभी, आपने इतनी अच्छी गुड़ाई की है, कितना सारा झंगोरा हो रखा है। ये देखो, ये झंगोरा तो नहीं है। अच्छा सुना रही है मुझे, देख लिया। ये एक कहावत है ना गढ़वाली में, बोल बेटी असुनो बुआरी है। और ये देखो मेरी ननद है और खेत में आके भी मुझे सुना रही है, क्योंकि हमारे खेत में झंगोरा कम है और घास ज़्यादा है, तो इसलिए शायद उल्टा बोल रही है। और गुड़ाई तो मैंने अच्छी की थी, लेकिन शायद कहाँ चला गया झंगोरा। सीजन नहीं है शायद झंगोरे का, इसलिए कम कम हो गया। लोगों के खेत में तो अच्छा है, लेकिन पता नहीं आपके खेत का सीजन अलग ही चलता है क्या। लोगों का खेत का अच्छा सीजन अच्छा चला। अरे इसी बार हुआ है ऐसा, पिछले साल तो कितना झंगोरा हुआ हमारा, 8-9 कट्टे। लेकिन मुझे लग रहा है आजकल आपको कुछ ज्यादा ही खुशी हो रही है कम झंगोरा को देखकर। अरे आसानी होगी ना निकालने में। हाँ। एक मिनट में जो 2-3 घंटे का काम था वो 1 घंटे में पूरा हो जाएगा। देख लिया आपने, ये है गढ़वाल की किसान बुआरी। भाभी जी, आप इस झंगोरे का क्या करोगे? अभी तो हम बस गाय भैंस के लिए पीने के लिए करते हैं ना, इसको निकालते हैं। हाँ। लेकिन पहले इसका झंगोरे की जो खीर होती है वो बहुत ही टेस्टी होती है। और पहले जमाने के जो हमारे पूर्वज हैं, हमारी दादी जी बुढ़सासु जी, तो वो इसको क्या करते थे, भात भी बनाते थे इसका, और बहुत टेस्टी भात। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने तो सुना है ये पींडे के लिए होता है, गाय भैंसों के लिए। हाँ। आपके यहाँ खीर बनाते हैं इससे? अरे खा के देखना, इतनी टेस्टी खीर होती है ना। हाँ, अगर कभी आप खिलाएंगे हमें। जरूर जरूर, आप भी खाने आना। हाँ, कूट के देना, फिर खिलाऊंगी मैं। तो हमारे चैनल में बने रहिएगा, तभी हम आपको आगे भी दिखाएंगे क्या होगा इसका, कैसा होगा। देखते हैं हमारी भाभी जी ने कितना झंगोरा निकाल रखा है, अभी तो बहुत कम है। ए स्वीटी ले, ये है स्वीटी। जब तक हमारा काम पूरा नहीं हुआ तब तक यहीं रहेगी हमारे साथ खेतों में घूमती, चाहे इसको भूख लगे प्यास लगे, लेकिन हमारा साथ देगी। तो ये होते हैं जानवर जो अपने मालिक का साथ कभी नहीं छोड़ते। ये देखिए मंडवे का हाल, बंदरों ने ऐसे नोच के खा दिया है इसको, अब तो कुछ बचा नहीं है इस पर, बस काट के ले जाना है घर, क्योंकि थोड़ा भी अगर इस घास में बच गया तो उसके बाद चूहे उस न्यार को नहीं बचाएंगे, सारा कुतर कुतर के खा जाएंगे, तो ये भी काटना ज़रूरी है, तो क्या करें। ये है मंडवा और हम इसको कोदा बोलते हैं। इसका आटा बहुत ही टेस्टी होता है, सिर्फ इसी का गेहूं के आटे में मिला के इसको इसकी रोटी बनाई जाती है और बहुत टेस्टी होती है। ये देखिए, ये है झंगोरा और जो ये झंगोरा है ये बड़ा ही पौष्टिक आहार है, भोजन है, क्योंकि प्राचीन काल से ही जो गढ़वाली लोग हैं इसका सेवन करते हैं, इसको इसका भात और खीर बनाते हैं। और कहा गया है जो बीमारी है पीलिया बीमारी, तो झंगोरे
इसका सेवन पीलिया में बहुत ही लाभकारी है, क्योंकि कहते हैं पीलिया में जो खून का पानी बन जाता है तो जो आदमी की आते हैं जो पाचन तंत्र है वो कमज़ोर पड़ जाता है, तो उस स्थिति में झंगोरा ही सबसे पौष्टिक आहार है ऐसे रोगी के लिए। पहली बार इस चैनल में आपको हमारी भाभी जी गाना सुनाएगी। आटू चौल मैंगुए के महंगी दाल तेल, चाचिनी दवाई दारू मैंगो कन के बचोण शरील, कै दिन सोनी लिया बल फांस खै गे जिंदगी, कन के ठेल लू बल भारी गरी मेगे जिंदगी। पहाड़ी मौसम का कोई भरोसा नहीं, अभी सुबह धूप लगी थी और बारिश शुरू हो गई है, हमने इतना ही झंगोरा निकाल पाए हैं हम। ये देखो मेरी ननद ने छोपा भी बना दिया है और अब चलते हैं हम घर, क्योंकि बारिश शुरू हो गई, अब थोड़ा थोड़ा घास निकालेंगे और चलते हैं फिर घर। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट, और प्लीज़ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।